स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके दो क्लासेस हमने पहले ले चुकी हैं और आज इसकी थर्ड क्लास है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। अब क्या होगा, अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कोई पॉइंट्स है उनके बीच में आप डिस्टेंस किस तरह से निकालते हो, आज हम ये पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट है उनके बीच में अगर कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है तो उस दोनों के डिस्टेंस आप किस तरह से निकालते हो। जैसे हमारा ये डायग्राम है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर दो टाइप के डिवीजन पढ़ेंगे, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। फर्स्ट इंटरनल के बारे में और सेकंड एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। जब कोई पॉइंट पी, एक लाइन है इस तरह से, कोई प्लेन में दो पॉइंट है ए एंड बी, तो अगर कोई मिडल पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ले लिया पी, अगर कोई पॉइंट पी आता है जिससे आपको डिस्टेंस निकालिए ए से बी तक और पी से बी तक, तो ये तो आप निकाल रहे हो इंटरनल डिवीजन के थ्रू। और अगर ये पॉइंट पी मिडल में ना होके लेफ्ट साइड में हो जाए या राइट साइड में हो जाए तो इसको बोलेंगे आप एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में कोई दो पॉइंट है उनके जस्ट मिडल में होगा वो पॉइंट, और एक्सटर्नल डिवीजन में या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है या राइट साइड में हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसकी थ्योरी क्या है, इसको हम किस तरह समझेंगे। तो यहां से देखते हैं, लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, ए और बी कोई दो पॉइंट्स है इस तरह से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये कोई दो पॉइंट है जो प्लेन पे बने हुए हैं। प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमने एक प्लेन लिया है, उस पर कोई दो पॉइंट्स ए और बी है। इफ पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी लाइज इन द मिडल, अगर मिडल में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हम जिसके बारे में बात करते हैं वो इंटरनल डिवीजन है। इफ पॉइंट पी लाइज इन द मिडल ऑफ लाइन ए बी, अगर पॉइंट पी ए बी लाइन के मिडल में है तो यहाँ जो डिवीजन होगा उसको हम नाम देंगे इंटरनल डिवीजन। उसको हम क्या नाम देंगे, इंटरनल डिवीजन। अब नेक्स्ट देखिए, लेट ए, अब ए पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू एक्स वन और वाई की वैल्यू वाई वन है, और वहीं बी पर देखिए, बी पर एक्स टू और वाई टू वैल्यू है। तो यहाँ ये दे रखा है कि ए तो क्या है एक्स वन वाई वन और बी है एक्स टू वाई टू। जब इसके अंदर कोई पॉइंट पी आता है तो इसका वैल्यू हम लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए, आर टू पॉइंट्स इन प्लेन, ये कोई दो पॉइंट्स है प्लेन पर, और पॉइंट पी की वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई, ये डिवाइड करता है इस लाइन ए बी को। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी को ये मिडल पार्ट से डिवाइड करता है। अब आगे है इन द रेशियो एम वन, और जब ये डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में इनको डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो है एम वन और एम टू। ठीक है, इनको कोई लाइन ए बी है, पॉइंट पी उनको डिवाइड कर रहा है और उनका रेशियो है एम वन और एम टू। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब यहां देखो, ये जो है ये तो हमने सिर्फ लाइन की बात की यहाँ तक, अब यहाँ से इनकी परपेंडिकुलर लाइंस बन रही है, इन पॉइंट से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस बन रही है, किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ देखो, पॉइंट ए एल, सॉरी लाइन ए एल पी एम और बी एम, ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन गई एल, पी से गई एम तक और बी से एन तक, तो ये लाइन कौन सी हो गई, ए एल पी एम और बी एन आर परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, इस एक्स एक्सिस पर। ठीक है, फ्रॉम ए पी एंड बी, ये ए एल लाइन ए से निकली है, पी एम लाइन पी से निकली है, बी एन लाइन बी से निकली है। ठीक,
गई और ये किस पे बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस पे बनी हुई है। अब यहाँ से देखिए AQ एंड PR। अब जो ये लाइन है कौन सी, PM। PM से इस A पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसका नाम दिया हमने AQ, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया AQ। और इस BN लाइन से पॉइंट P पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसका हमने नाम दिया PR। तो यहाँ दे रखा है AQ एंड PR ड्रॉन फ्रॉम A टू PM, A से PM पर बना और फ्रॉम P टू BN और P से किस पर बना है, BN पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, मतलब कंटिन्यू इस तरह से इनमें बना। अब हम देखेंगे कि X की वैल्यू हमें क्या निकालना है, हमें इस मिडल पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से हम इनके पॉइंट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट दे रखा है OL, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, ये हमें इस पॉइंट से पता चलती है। X की वैल्यू क्या है, X1, तो यहां क्या आएगा, OL की वैल्यू है X1। नेक्स्ट दे रखा है OM, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, इसका पॉइंट देखो PXY, तो X की वैल्यू यहां पे क्या दे रखी है, X दे रखी है, तो OM की वैल्यू आ जाएगी X। नेक्स्ट है ON, O से लेके N, ठीक है, ON की वैल्यू क्या है, इसका पॉइंट देखो, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, X2, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, X2। अब नेक्स्ट बात करते हैं Y एक्सिस पर, मतलब Y की बात करते हैं, तो AL, इस लाइन की वैल्यू क्या है, AL की वैल्यू आप कैसे पता लगाओगे, इस पॉइंट को देखकर, Y1, ठीक है। अगर हम इस तरह बात करते हैं तो हम एक्स पर पॉइंट ले रहे हैं, और अगर इस तरह चलते हैं तो हम वाई के पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ए एल की वैल्यू क्या आ गई, Y1। अब है पी एम, पी से लेके एम तक की वैल्यू क्या आ गई, Y। और बी एन, बी से लेके एन तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y2, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम क्या निकालेंगे, आगे हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए क्यू की, ए से लेके क्यू तक की वैल्यू। तो ए से लेके क्यू तक की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करोगे, तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ इसके डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ तक के डिस्टेंस लेंगे ओ एम माइनस ओ एल, ओ एम में से ओ एल को माइनस कर दिया, तो ओ एम की वैल्यू क्या थी, ओ एम की वैल्यू थी एक्स, और ओ एल की वैल्यू क्या है, ओ एल की वैल्यू है X1। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है ए क्यू की। अब हमें फाइंड करना है पी आर की वैल्यू, पी आर कहाँ पे है, यहाँ पे पी आर, तो पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, एम एन के, तो पी आर इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। अब एम एन की वैल्यू निकालनी है, इसको किस तरह आप फाइंड करोगे, यहाँ या तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो और फिर इसमें से ये माइनस कर दो। तो हम यहाँ देखिए हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पी आर किसके इक्वल है, एम एन के, तो हमें एम एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, तो ओ एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए एक्स टू माइनस ओ एम, ओ एम की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ये तो वैल्यू है ए क्यू की और ये वैल्यू है पी आर की, ये हमें अभी यूज में आएगी, तो इनको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें दो वैल्यू और फाइंड करनी है, एक तो पी क्यू की और एक बी आर की। तो पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पी से लेके एम तक पी एम माइनस क्यू एम करके, ठीक है, तो हमने किया पी एम माइनस क्यू एम यहाँ तक, ठीक है। अब क्यू एम, ये जो क्यू एम है ये किसके इक्वल है, ए एल के, और ए एल की वैल्यू हमें दे रखी है Y1, तो हमने कर दिया ए एल की जगह Y1, और पी एम की वैल्यू हमें दे रखी थी Y, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, Y-Y1, ठीक है। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है बी आर की, तो बी आर कहाँ पे है, ये दे रखा, तो जब बी एन में से आर एन माइनस करेंगे तो बी आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमने किया बी एन माइनस आर एन, बी एन की वैल्यू यहाँ से क्या दे रखी है, बी एन की वैल्यू दे रखी है Y2, तो यहाँ आ गया Y2।
अब आर एन किसके इक्वल है, ये आर से लेके एन ये किसके इक्वल है, पी एम की, और हमारे पास पी एम की वैल्यू है वाई। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y, तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ लिख देते हैं PQ क्या है, PQ इज इक्वल टू y माइनस y1 एंड BR इज इक्वल टू y2 माइनस y, ठीक है। अब हम इन वैल्यू के थ्रू x और y के वैल्यू निकालेंगे। अब आगे देखिए, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए क्यू पी एंड पी आर बी, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। तो यहाँ देखिए इन फिगर ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल पी आर बी आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो हम इनकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, यहाँ देखिए ए क्यू पी की बात करें तो AP अपॉन PB, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू QP अपॉन RB, ये तीनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। जब इन ये दोनों हमें ट्राइंगल सिमिलर दिखते हैं तब हम क्या करते हैं, इस तरह से इनकी जो वैल्यू है, साइड की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। अब AP अपॉन PB है, ठीक है, AP अपॉन PB है, तो AP की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, AP की वैल्यू हमें दे रखी है M1। ये M1 कहाँ से आया, हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो हमने क्या बोला था कि P जो है इन दोनों पॉइंट को दो रेशो में तोड़ रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये तो M1 रेशो और ये M2 रेशो। तो A से लेके P तक की वैल्यू क्या आ गई, M1, और P से लेके B तक की वैल्यू आ गई M2। M1 अपॉन PB की वैल्यू क्या है, M2 इज इक्वल्स टू AQ। अब AQ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, AQ की वैल्यू हमने निकाली थी X माइनस X1, तो यहाँ पुट कर दो X माइनस X1 अपॉन PR, PR की वैल्यू क्या है, X2 माइनस X, X2 माइनस। अब नेक्स्ट है QP, QP की वैल्यू क्या निकाली थी, QP बोल दो या PQ बोल दो, Y माइनस Y1, Y माइनस Y1 अपॉन BR की वैल्यू क्या है, Y2 माइनस Y, ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम X और Y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, अब क्या है, ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, इस तरह से है। तो हम x और y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट हमने लिया m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, यहाँ तक हमने सिर्फ पहले x की वैल्यू ली है, ठीक है, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हमने इस इक्वेशन के थ्रू ये यहाँ पे पुट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखिए M1, जब ये पूरी वैल्यू इस साइड जाएगी तो M1 के मल्टीप्लाई में आएगी X2 माइनस X इक्वल्स टू, अब जब ये इस साइड जाएगा तो ये M2 जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा X माइनस X1 के, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब ये इस तरह से है, इस तरह से इनको दिया गया है, और जब तो यहाँ से देखो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, M1 X2 माइनस M1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो M1 X2 माइनस M1 X इज इक्वल्स टू M2 X माइनस M2 X1, ठीक है। तो यहाँ देखिए M1 M1 M2 M2 X2 X और X X1, इस तरह से कुछ वैल्यूज हमारे सामने आए हैं। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, M1 X2 इस पूरे यूनिट को इस साइड ले आओ प्लस M2 X1 इज इक्वल्स टू M2 X, अब जब ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का M1 X,
तो यहाँ देखो एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स कॉमन लिया एम वन प्लस एम टू। ठीक है, ये हमने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से लिया है। यहाँ देखो ये एम टू है, ये एम वन है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा एम वन प्लस एम टू, और ये इधर की इक्वेशन ऐसे कैसे आ जाएगी। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन ये जो वैल्यू दे रखी है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इस x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से फॉर्मूला हमने निकाल लिया है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह हम y की वैल्यू निकालेंगे, हमने पहले क्या लिया है, ये लिया है x की वैल्यू को इक्वल करके देखा है, अब हम m1 अपॉन m2 के इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y करके देखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब हम ले रहे हैं एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी सेम उसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो एम वन के मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इनका, क्या आएगा वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एम टू मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई वन, ये वैल्यू आ गई। अब इनका मल्टीप्लाई करवा दो एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू एम टू एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई के कोऑर्डिनेट्स को एक तरफ कर लो। अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ये इस साइड ले आए और इस वाई के कोऑर्डिनेट को हम इस साइड ले आएंगे एम टू वाई प्लस, ये माइनस में है राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा एम वन वाई, इस वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो y और y दोनों कॉमन है, जैसे हमने x में किया था वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, तो y कॉमन लिया तो m1 प्लस m2, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, कहाँ से आए इस y को यही रहने देंगे और इसको इसके अपॉन में लेके जाएंगे, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई इस तरह से आ गई m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 m2 क्या है, ये वो रेशियो है जिसमें p ने ab को डिवाइड किया था। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट व्हेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, कोई लाइन है ए बी, ठीक है उस पर दो पॉइंट है ए बी और एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है, और जो ये पॉइंट है ए एंड बी इनके जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो क्या है माइनस टू वन एंड फाइव फोर, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो दे रखा है टू रेशियो थ्री। अब यहाँ देखो कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो हमने माना है पी, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे एक्स एंड वाई। अब यहाँ से देखो जब हम माइनस टू और वन की बात कर रहे हैं तो एक्स वन क्या होगा माइनस टू और वाई वन क्या होगा वन, ठीक है फाइव और फोर, तो एक्स टू क्या हो गया फाइव और फोर क्या हो गया वाई टू, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। अब जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो फर्स्ट वाला क्या होगा x1 y1 और सेकंड वाला x2 y2, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो, तो रेशियो हमने इक्वेशन से क्या देखा था m1 अपॉन m2, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और m2 की वैल्यू क्या हो गई 3, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था x की वैल्यू निकालने का m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन m1 m2, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है यहाँ से 2 पुट कर दी हमने, ठीक है। अब हमें दे रखा है किसको मल्टीप्लाई करना है, x2 को, तो x2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2, m2 की वैल्यू दे रखी है 3 एंड x1 की वैल्यू है -2। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रखा है प्लस m2 की वैल्यू क्या दे रखी है, m2 की वैल्यू दे रखी है इस तरह से, ये तो हमने फुट कर दिया। अब आगे दे रखा है m1, m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3, ये हमने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को पुट कर दिया। अब यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 10, 3 मल्टीप्लाई -2, जब कोई माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 10 माइनस 6 आता है 4 अपॉन 5। ये 4 अपॉन 5 किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है, कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, m1 की जगह m1 पुट कर दिया, x2 की जगह x2 पुट कर दिया, m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट कर दी और x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहीं से निकाल लेंगे y की वैल्यू। अब यहां से देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां से देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए हमें, m1 की, तो m1 की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई, अब हमें m1 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है y2 से, ठीक है, प्लस अब हमें चाहिए m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू यहां से दे रखी है 3, तो यहां आ गया 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे m सॉरी y1 की वैल्यू से, तो y1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो यहां से वैल्यू क्या आई 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 और अपॉन में क्या आ गया 5, तो 8 प्लस 3 क्या होगा 11 अपॉन 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारे हमारा जो क्वेश्चन है कि कोई दो पॉइंट है उनके बीच में अगर कोई मिडल पॉइंट आ जाता है तो उसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, उसके x और y की वैल्यू किस तरह निकालोगे, तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे। ये इंटरनल डिवीजन की बात थी जिसमें हमने x और y की वैल्यू निकालना सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये जो पॉइंट P है वो A और B को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, वो या तो लेफ्ट साइड में रहेगा या फिर राइट साइड में रहेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।